बड़ी खबर का रुख करते हैं। आज दिल्ली में भाजपा की महत्वपूर्ण बैठक, बीजेपी मुख्यालय में संगठन मंत्री बीएल संतोष लेंगे बैठक। बीजेपी शासित राज्यों के प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे। पीएम के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक की योजनाओं पर फीडबैक लेंगे। उसके अलावा आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा होगी। तो आगामी विधानसभा चुनाव की किस तरीके से रणनीति तैयार की जाए, इसको लेकर के मंथन किया जाएगा। मंत्रणा का दौर यहां पर रहेगा और देखना यही महत्वपूर्ण कि जो चर्चाओं का दौर रहेगा, मंत्रणाओं का दौर रहेगा, उसके बाद क्या कुछ मंथन निकलकर सामने आता है, आगे के लिए क्या रणनीति बनाई जाती है, क्या रोडमैप तैयार किया जाता है। क्योंकि लगातार ये बैठकों का दौर अब जारी रहने वाला है, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव है कई राज्यों में, जिनको लेकर के बीजेपी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। तो वहीं 2024 के टारगेट को ध्यान में रखते हुए भी बीजेपी हर एक कदम उठा रही है। अब इसी खबर को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, देखिए बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक, किन किन मुद्दों पर चर्चा संभव, क्या प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी? मुझे अगर समझा जाए तो कल सुबह हिमाचल प्रदेश की कोर ग्रुप बैठक हुई, जाहिर तौर पर वो एक चुनावी राज्य है और चुनाव सिर पर है। उसके बाद शाम को सभी संगठन महामंत्रियों की बैठक हुई। महामंत्रियों की बैठक में पहला मुद्दा था कि प्रधानमंत्री मोदी के बर्थडे को, हर बार भी पखवाड़ा होता है, कभी सेवा सप्ताह होता है, कभी सेवा पखवाड़ा होता है, लेकिन इस बार इसको और भव्य बनाने के लिए और इसकी आड़ में सेवा करने के लिए तो ये बताया जा रहा है कि सब अपने राज्यों में जो आपके पास काडर है, जो कार्यकर्ता है, उनको गांव गांव ढांडी ढांडी प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर कैसे हम अलग अलग माध्यम से उन सभी लोगों की सेवा उसको सप्ताह या सेवा पखवाड़ा में तब्दील किया जाए, यादगार बनाया जाए। इसके अलावा देखिए, जो आज बैठक होने वाली है, उस बैठक को बीजेपी मुख्यालय में होगी, संगठन मंत्री इस बैठक को लेंगे और बीजेपी शासित राज्यों के प्रभारी इस बैठक में होंगे, तमाम लोग होंगे। और इसमें तीन बड़े मुद्दे हैं। पहला कि बीजेपी अभी से 2024 के चुनावी मोड में आ चुकी है, इसलिए ना सिर्फ चुनावी राज्य बल्कि हर राज्य महत्वपूर्ण है, चाहे उसमें चुनाव अभी आने वाले 3-4 महीने में हो या फिर चुनाव अगले साल 2023 के अंत तक हो या 2024 से पहले, जो भी 9-10 राज्य हैं जहां पे चुनाव होने वाले हैं, उनकी तैयारी के साथ साथ देश भर में अब लगातार इस तरह का माहौल बनाना है जिसमें प्रधानमंत्री की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना और इसके साथ साथ हर किसी एक तारीख को महत्वपूर्ण बनाते हुए अंत्योदय आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाना और योजनाओं के साथ साथ जो लाभार्थी हैं उनको किस तरीके से वापस से संपर्क में आना, जिससे वो अपने परिवार सहित, अपने पड़ोसी, अपने समाज सहित लोगों को जब वोट देने जाएं उससे पहले ये माइंडसेट बने कि भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने जनहित के लिए और लोगों के लिए काम किया है। तो ये जो बैठकों का दौर है, इसको चुनावी मांग चुनावी तो है ही, लेकिन चुनाव के पीछे कैसे काम करना है, किस तरीके से लोगों तक जुड़ना है और खास तौर पे प्रधानमंत्री का बर्थडे जो है उसको किसका भव्य बनाना है, ये तमाम बातों को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक आज होने जा रही है। और आगामी दिनों में भी जो भाजपा मुख्यालय है वहां पर बैठकों का दौर लगातार चलता रहेगा, क्योंकि हर एक नई तारीख को इवेंट बनाएगी भारतीय जनता पार्टी और जन जन तक पहुंचेगी और ना सिर्फ चुनावी राज्य में बल्कि पूरे देश में एक बार फिर एक रेवोल्यूशन की तरह, चाहे प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं को लेकर, उनके काम को लेकर, उनकी स्पीच को लेकर, जन्मदिन को लेकर या किसी महत्वपूर्ण तारीखों को लेकर प्रधान जो बीजेपी है उनका जो संगठन है वो बेहतर तरीके से काम करने का प्रयास करने की ये बैठक है। और बिल्कुल ऐसे एक अच्छे मौके की तरह भुनाना भी चाहेगी बीजेपी शक्ति प्रदर्शन के तौर पर। बिल्कुल, देखिए बीजेपी को पता है कि किस तरीके से अपॉर्चुनिटी अवेल कर, इसलिए हर एक तारीख, हर एक दिन, देखिए आज का दिन भारतीय जनता पार्टी और सरकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 15 अगस्त को जो उन्होंने कहा कि हमें गुलामी से आजादी चाहिए, आज नेवी का जो झंडे में जो बदलाव हुआ है वो देश के हर एक नागरिक के लिए गौरवान्वित होने की बात है। और इन तमाम बातों को भी देखिए अलग अलग सेक्शन को कैसे टारगेट करती है बीजेपी। पहला जब 2014 में आई थी तो आर्मी के लोगों को, नेवी के लोगों को, तो एक अलग, जब बुद्धिजीवियों के साथ जब सम्मेलन होता है, फिर गरीब तबके के साथ होता है, पिछड़े तबके के साथ होता है, मिडिल क्लास के साथ होता है, ब्राह्मणों के साथ होता है, तो बीजेपी बेहतर तरीके से जानती है और सेक्शन में बांटकर किस तरीके से अपने ऑडियंस कह लो या वोटर्स कह लो उनको किस तरीके से
पार्टी के साथ जोड़ना है। यही वजह होती है कि अलग अलग योजनाओं के माध्यम से या अलग अलग प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों तक जुड़ना, और इसमें सबसे बड़ा जो रूट होता है या सबसे बड़ी जो बैकबोन होती है वो होते हैं कार्यकर्ता। तो जो संगठन के प्रभारी हैं या महामंत्री हैं, वो जब अपने अपने राज्यों में जाते हैं और वो जो तमाम बातें बताते हैं अपने कार्यकर्ताओं को, और फिर कार्यकर्ता अपने अपने इलाकों में जाकर काम देते अपनी बातें बताते हैं जनता तक, तो ये पूरी चेन है कि कैसे आप बूथ स्तर से लेकर उच्च स्तर तक लोग जो एक साथ आदमियों के माध्यम से जुड़ते हैं और फिर योजनाओं को नीचे तक ले जाते हैं, ये पूरी तरीके का एक साइकिल है जो प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार कहा है, चाहे वो सांसदों के माध्यम से हो, संगठन मंत्रियों के माध्यम से हो, कैसे संगठन और सत्ता एक साथ मिलकर चले, तालमेल बिठाए और साथ में प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाए, लाभार्थियों तक पहुंचे, उसी का एक हिस्सा है। क्योंकि चुनाव 2024 का चुनाव को टारगेट करते हुए बीजेपी आगामी जितने भी चुनाव में उसमें बेहतर प्रदर्शन करना चाहती है और उससे एक मैसेज जाएगा जो 2024 का मैंडेट तय करेगा। बिल्कुल अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।